हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपने राइस बॉयल कर रही थी, और ये देखिए जी, राइस बॉयल करते करते नीचे गैस ही चली गई है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है थोड़ा सा ही वो रह गए, तो मैं इसको जो है वो अपने थारती हूँ। और साथ साथ मैंने जो है वो लोबिया बनाया हुआ था, तो वो भी फिर मैंने कहा चलो गर्म करती हूँ। तो यहाँ पर ओवन में मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मेरे राइस भी रेडी हो गए हैं। तो चले मैं इसको जो है वो पानी इसका निकाल लूँ। तो ये फाइनली मैंने जो है वो पानी निकाल दिया है, और ये मेरे बॉयल्ड राइस रेडी हो गए हैं फुल, और वहाँ पे मेरे लोबिया भी जो है वो गर्म हो चुका है। तो बस अब हम खाना शाना खाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने आने हैं। आज जो है वो हमारी बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ जा हम सेलिब्रेट करेंगे, और फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि वहाँ पर हम क्या क्या करते हैं। तो चले अब ये जो है मैं लगाती हूँ खाना शाना। आई थिंक मेरे ये गरम हो चुका है। यस, ये फुल गरम हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पे खाना शाना लगाया है अपना, और ये देखिए जी, ये ग्रीन चटनी हम जो है ना कामरा कमिश्री गए थे वहाँ से हम लेकर आए हैं। ये ग्रीन चटनी नहीं, आम की ना, कच्चे आम की अचार ये है। तो ये हम लोगों ने कहा ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो उन्होंने वहाँ पे हमें करवाया था, अच्छा था, और ये हमारा फेवरेट कंज्यूमर सलाद। और आप लोग कहते होंगे ये बेड पे कौन बैठ के खाता है, तो हम इसलिए बैठ के खाते हैं क्योंकि हमारे साथ से मेन रीज़न यहाँ पे जो है वो टीवी लगा हुआ है। तो हम लोगों ने साथ साथ जो है वो मूवी इन्जॉय करनी होती है, तो इसलिए हम बेड पर बैठ के खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम खाना खाते हैं, और ये फाइनली मैंने अपना प्लेट रेडी कर लिया, अब ये खाती हूँ। जज्बात में लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जो है वो ग्रीन चटनी निकाल ली है। बॉयल्ड राइस और लोबिया की तो क्या ही बात है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस को जो है वो पसंद है, रेड लोबिया और बॉयल्ड राइस साथ में सैलड्स और अचार। मज़ा ही आ जाता है। और जिस साथ साथ हमारी मूवी भी चल रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया, और हस्बैंड मेरे अभी तक टुंग रहे हैं बैठ के, क्योंकि ये साथ साथ मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, फोकस करते हैं, और खाने पे जो है वो कम फोकस करते हैं। खैर से ये खा रहे हैं, और मैं अब जाती हूँ अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो है वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने जो है ना वो मुझे मैसेज कर दिया है कि बस रेडी होना स्टार्ट हो, हम आ रहे हैं। तो ये मैंने अपने कपड़े जो है वो प्रेस करके यहाँ पर रख लिए हैं। आज जो मैं पहन रही हूँ वो ये आउटफिट है मेरा, लॉन्ग सी मैक्सी, और इसके साथ जो है वो ऊपर कोटी, और ये उसका दुपट्टा, ये शॉर्ट जो है वो कोटी है इसके साथ, और ये रेड दुपट्टा है। तो अब बस मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, खाने के बाद जो है ना मुझे मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है, तो जो है ना मैं ढूंढा लगता। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड ने गाना लगा दिया था, खैर से बंद करे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ये मैंने कहा चलो मीठा खाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो मुझे बर्थडे पे बहुत सारी चॉकलेट्स और ये वेफल्स वगैरह दी थी। मैंने कहा चलो अब ये खा लूँ, क्योंकि मुझे जो है वो खाने के बाद जो है वो मीठा चाहिए ही चाहिए होता है, बेशक वो खजूर हो या कुछ हो। ओपन करके दें इसे, हाँ सुनिए ओपन करके दें, लगाएं या लगाना, सॉन्ग तेज़ करें। ये आजकल बड़ा इन हुआ है, ट्रेंडिंग पे चल रही है ये सॉन्ग, दिल लगे आगे उड़ती फिरा। ये कौन सा फ्लेवर है, क्रीमी वेफल हेजलनट फ्लेवर। मज़े का टेस्ट है इसका, ये लें आप भी खाएं। चलें मीठा भी हो गया, अब मैं बस जल्दी से तैयारी स्टार्ट करती हूँ, मुझे मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। मेरे लिए मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ अपने मेकअप पे हमला करने। अब मैं दूसरे रूम में जाती हूँ अपने मेकअप्स वाले रूम में, और वहाँ जाके मैं मेकअप पर हमला करूँगी। और अभी जो है वो
स्टार्ट लूँगी और फिर देखते हैं कितने टाइम लगता है। लाइटें शाइटें ऑन कर दूँ। क्योंकि अभी जो है ना मेरी दोस्तें भी आने वाली हैं, तो मैंने कहा इससे पहले मैं खुद तैयार हो जाऊँ, क्योंकि उन्होंने भी आके तैयार होना होता है। तो मैं तैयार होती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस मैं तो रेडी हो गई और मुझे लगता है नीचे नॉक हो रहा है, शायद मेरी फ्रेंड भी आ गई है कोई एक, तो मैं देखती हूँ जाके नीचे। आई थिंक मेरी फ्रेंड ही है। अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी बर्थडे टू यू टू, वेलकम। आज है जी, आज है आपका इंतज़ार था। मैं आप पता नहीं किधर रह गई है। नहीं अभी तक तो नहीं आई है, आओ बैठो। चले गाइस अभी एक तो फ्रेंड आ गई है मेरी फाइनली, और ये भी मैं भी रेडी हूँ, और ये भी फुल मैडम रेडी होकर आई है। और हीरोइन इनकी सैंडल तो चेक करें आप, सिर्फ हसीन पाँव वाली की सैंडल चेक करें सिर्फ। तो चले अब दूसरी दोस्त का भी वेट करते हैं हम। और यहाँ मेरे बाल जो है वो मेरी दोस्त हेयर स्टाइलिंग कर रही थी मेरी, और इतने में दूसरी दोस्त की कॉल आ गई है कि मैं आ गई हूँ, तो हम जाते हैं उसे भी रिसीव करते हैं। कहाँ है, आ गई है ये हमारी बाजी, आगे पीछे बहुत सारा गंद आ रहा है। और दोस्त एंट्री मारी हमारी, और ये देखे जी ये हमारे केक भी लेकर आई है, हमारी बर्थडे का केक है। क्या हम दो दोस्तों की बर्थडे एक साथ ही सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। आप इतने लेट लतीफ क्यों है? अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। ओह हमारी गिफ्ट्स भी आए हैं, थैंक यू सो मच। चले जी अब हम मिलके जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं, फिर हम जाते हैं, काफ़ी लेट हो गए। नहीं नहीं मीन्स के हम तैयार हैं, आपको कह रहे हैं। गाइस ये फाइनली हम रेडी हो गए और अब हम निकल रहे हैं। सही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो लड़कियाँ निकलो, वापस जाओ। मिट्टू इनको, मिट्टू को भी देखें, ये नहीं वापस है, ऊपर जाओ। मिट्टू गो बैक टू योर होम, गो बैक टू योर होम, हरी अप, गो बैक, जल्दी से जाओ वापस। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन लोडेड, और यहाँ पे जो है वो हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और पीछे शोर बहुत ज़्यादा है, मे बी आप लोगों को आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही हो, लेकिन फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और अब हम जाते हुए चले जी, चले चले ना, रुकी क्यों है आप लोग? अच्छा अच्छा चलो, तो ये इनकी आउटडोर सेटिंग है। और अब हम देखते हैं कि हम अपनी कहाँ पर जो है वो डिसाइड करें कि हम सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक ये वाली जगह सही है ना यार। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं अपनी, क्योंकि बाहर सुकून भी है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और बाहर का व्यू भी हम साथ साथ एंजॉय करेंगे। और ये अब हम लोग जो है वो मेन्यू डिसाइड करते हुए, ये लो भैया आप लोग डिसाइड करो दोनों। बोले ना भाई, कुछ बोले ना, आप लोग गूंगी हैं दोनों। ये मुझे दिखाएं क्या खाना है ना यार, बर्गर पिज़्ज़ा क्या करना है? चले गाइस पहले हम डिसाइड करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या डिसाइड की है, खाना इन्हें समझ नहीं आएगी। तो फाइनली गाइस हमारा मेन्यू डिसाइड हो गया, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। और यहाँ पे अब मेरी दोस्तों ने कहा कि इससे पहले कि लाइट डिम हो, तो मेरी इस फ्रेंड को बहुत जल्दी थी, इसने कहा कि जल्दी जल्दी से फ़ोटोशूट करते हैं। तो फिर हमने कहा चलो जी अब हम यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट स्टार्ट करते हैं। और ये है बाहर का व्यू, ये मेरी दोस्तों का फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। अपने अपने सैंडल्स लेकर आओ आगे, फाइनली हमारा फोटोशूट भी ख़त्म हुआ, और यहाँ पे हमारा मेन्यू जो हमने मंगाया था वो भी फाइनली आ चुका है। मुझे पेप्सी कर दे और एक सेवन अप कर दे। तो फाइनली हमारा मील भी आ चुका है, अब हम एंजॉय करते हैं।
और केक भी कट करते हैं। और ये मेरी फ्रेंड जो है वो हमारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई है। ओके ओपन कर दे रहे हैं। इन दोनों के लिए सेम गिफ्ट लाई हूँ क्योंकि ये लोग फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो फाइनली यहाँ पे हमारी ड्रिंक भी आ गई। मेरी फ्रेंड ने जो है वो पेप्सी नहीं सेवन अप इसने मंगवाई है और पेप्सी मेरी थी। तो अब हम बैठ के मील इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मुझे इतनी प्यारी सी किचन नज़र आ गई। हे मानो हेलो, ओहो ये तो भाग ही गई है। इधर आओ, किधर भाग रही हो? चले जी मील हमारा ठंडा हो रहा है, अभी हम केक। ओके ओके ठीक है, तो आप आ जाए इधर, मैं उस साइड जाके बैठ जाती हूँ। ओह ये यहाँ से जा रही है। फिर अब हमारा केक भी आता है तो हम फिर साथ केक कट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम फिर खाना पीना स्टार्ट करते हैं अपना। भूख लगी है, खाएं ना फिर हम। तो गाइस फाइनली हमारा केक भी आ गया है और इस पे मेरी फ्रेंड ने लिखवाया है तेरे जैसा यार कहाँ। हाँ दीदी, हाँ जी, तेरे जैसा यार कहाँ, मेरे जैसा यार कहाँ मिलेगा आप लोगों को? मेरे चाइना में, चाइना में नहीं, चाइना में नहीं, पाकिस्तान में मिल सकता है ये। तो ये हम दो फ्रेंड्स के एक साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट की है बर्थडे, क्योंकि जो है वो मेरी एक फ्रेंड दूसरी वाली जो है जिनका नाम मरियम है, उनकी बर्थडे गुजर चुकी थी लास्ट मंथ। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो हम दोनों साथ मिल के करते हैं सेलिब्रेट ये चीज़। ये देखो जरा इसमें बनाना है। और ये फाइनली हमारा केक जो है वो कट हो चुका है और यहाँ पे मेरी दोस्तों का लोडेड फ्राइज पे लोडर की तरह हमला हो गया। तो मैं भी ज़रा इनका साथ देती हूँ। किसी तरह हमला हो गया जो हम लोगों ने वहाँ पे ब्लैक गोल्ड में हमला किया था, रिमेंबर? उस व्लॉग में जाकर देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। कौन सा? शुरू में ये गाइस हम इतने अच्छे वेदर में जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये देखिए ओपन सेटिंग है इनकी और ये चांद भी हमें वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जी गाइस ये चांद भी हमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे वेदर भी अच्छा हुआ है। ये देखिए इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चले बस अब हम खाते पीते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली हम लोगों ने खा पी लिया और खाया पिया क्या, हम लोगों ने लोडेड फ्राइज ही खाए और उसी से हम सबका पेट फुल हो गया और ये सबके हाफ हाफ बर्गर्स जो है वो बच गए। और ये एक फ्रेंड ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया है, मुझे तो वैसे ही छोड़ दिया है। और ये हमारा केक भी बच गया जो कि अभी हम पैक करवा लेंगे। और ये गिफ्ट मैं कही थी ओपन करने लगी, मेरी फ्रेंड ने कहा जाके रिलैक्स होके अपने बेड पे, जैसे तुमने वो गिफ्ट ओपन किया था ना अपने हस्बैंड वाला, तो ये वाला भी वैसे ही ओपन करना है। तो भाई हम घर जाके ओपन करेंगे फिर हम रिव्यू देंगे। और ये अभी अभी हमारे जो है ना उन्होंने हमें कहा कि यहाँ फिल करें, उन्होंने मुझे ला कर दिया और मैंने अपनी दोस्त को हैंड ओवर किया कि मैंने कहा ये ड्यूटी तुम ही अंजाम देती हो, आज भी तुम ही दो। तो फिर हमने कहा चलो हम देते हैं यहाँ पे। दोस्त स्टिल मोबाइल में लगी हुई है। बात सुनो आप हमारी बर्थडे पे आई हैं या आपने मोबाइल में ही रहना है? मोबाइल में ही रहना है। चलिए मोबाइल से बाहर निकले फिर, दुनिया सारी मोबाइल में। तो ओके ओके ये देखिए जी गाइस मेरी दोस्त के पास कितने पैसे हैं। 3000 निकाला था। ओहो बहुत दुख हुआ, आजकल महंगाई के दौर में सिर्फ आपके पास कितने रह गए? 2500 रह गए। बेचारी ने 6000 निकाला था। ओहो बहुत दुख हुआ। तो गाइस फाइनली हमारी ये जो चीज़ें रह गई थी वो हम लोगों ने पैक करवा ली हैं और अब बस अब हम निकलते हैं। और चलो गाइस उठो, पता नहीं मानो किधर चली गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ किधर चली गई है। वो बैठी हुई है क्योंकि वो साथ में ना किसी की सिटिंग है, तो वो देखिए जी वहाँ पर वो बैठ के जो है ना उनका खाना एंजॉय कर रही है। चलो मानो हम जा रहे हैं। मी हूँ मानो आई नहीं रही है। ओह देख लिया देख लिया उसे, देख लिया। यस आ जाओ। चले चलो। और यहाँ पे मेरी दोस्तों ने आगे जो है वो कबाड़ शुरू की है मेरे। और ये पीछे मेरी दोस्त कुछ कर ला में कर रही है, उसने कहा अगर तुमने ओह माय गॉड पेट में दर्द हो। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हो, आ
अब ये अपनी जाने की पैकिंग कर रही है और ये यहाँ पे अपनी तैयारी शैयारी कर रही है। तो अब मुझे आप लोग इजाज़त दें और मैं भी अब जो है वो चेंज चेंज करती हूँ और हाँ जी गिफ्ट रात को खोलूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे दे इजाज़त। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फूडी गर्ल नब्बा को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, बाय। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं हुआ क्योंकि जो है वो मेरी फ्रेंड ने कहा था घर बैठ के आराम से बेड पे जो है वो तुमने जो है वो ओपन करना है गिफ्ट। तो मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और ये मैं अभी उसका गिफ्ट ओपन करती हूँ। मैं जज करती हूँ पहले कि ये इसके अंदर मुझे क्या फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वॉच है, कभी मुझे लग रहा है छोटा सा मिनी जो है ना वो क्लच टाइप है। लेकिन चले अब इसको ओपन करते हैं। मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ, आप ज़रा ये रिकॉर्ड करें, मैं ओपन करती हूँ। ओके ये फ्रेंड ने कहा था ओपन करना है बेड पे बैठ के, तो ये फाइनली है बेड पे बैठ के और ये इसका गिफ्ट ओपन किया है। देखती हूँ ये क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है इसमें? मनी बॉक्स है क्या? है ये है क्या चीज? वाओ, इसमें आप जो है ना वो अपनी ज्वेलरी बॉक्स, मिनी ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें आप जो है वो अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। थैंक यू सो मच नया, सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों ने मेरे साथ बहुत इंजॉय किया होगा मेरी अनदर बर्थडे पार्टी विद फ्रेंड्स। तो आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।